रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था। तो ठीक है, अब एक टॉपिक पूरा ही चला गया। अगला टॉपिक हमारा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने इसी बात को ध्यान में रख के, यानी कि श्रोडिंगर समीकरण और क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी को ध्यान में रख के इस सिद्धांत को दिया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण के लिए यदि वो तीव्र वेग से गति कर रहा है तो एक साथ उसकी स्थिति और संवेग की सही सही गणना कर पाना संभव नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एक साथ स्थिति व संवेग की गणना संभव नहीं है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण के लिए जब वो तीव्र वेग से गति कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे कि एक साथ दोनों मान निकालें तो दोनों ही मान में कुछ त्रुटि रह जाएगी। उस त्रुटि को अनिश्चितता कहा, डेल एक्स गुणा डेल टी ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होगा। अब यहां डेल एक्स क्या है? डेल एक्स है स्थिति की अनिश्चितता। और डेल पी जो है ये है संवेग की अनिश्चितता। अच्छा, पी बराबर होता है एम वी, तो डेल पी बराबर क्या होगा? चूंकि द्रव्यमान स्थिर है तो वेग ही बदलता है, एम डेल वी हो जाएगा। समीकरण एक में अगर हम मान रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा डेल एक्स गुणा एम डेल वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। चलिए अब जरा इसको समझें कि क्यों नहीं हम जान सकते सही सही। देखिए, अगर हम चिरसम्मत यांत्रिकी की बात करें, चिरसम्मत यानी न्यूटन के गति के नियम पे आधारित, तो ये नियम लागू होता है दृश्य चीजों पे जिनको हम देख सकते हैं खुली आंख से या माइक्रोस्कोप से। अगर वो दिख रहा है तो हम उसकी स्थिति बता सकते हैं और उसका संवेग भी बता सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉन के साथ एक दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन को आप देख नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? उसका कारण है, देखने के लिए जो प्रकाश हमारी आंखों के लिए आवश्यक है वो है दृश्य प्रकाश। इलेक्ट्रॉन का आकार इतना छोटा होता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग उसकी तुलना में बहुत बड़ी होती है। तो जब तक तरंग किसी कण से टकराकर वापस नहीं आएगी हम उसको देख नहीं सकते। अब इलेक्ट्रॉन मान लो एक चूहा है और आपका जो दृश्य प्रकाश की तरंग है वो सुपर फास्ट ट्रेन है। अब मैं ये उम्मीद करूं कि अचानक एक चूहा उछले या हम एक धागे से एक चूहे को लटका दें या एक छोटी गेंद को लटका दें टेबल टेनिस की और हम ये उम्मीद करें कि उससे टकरा के ट्रेन डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो क्या ये संभव है? नहीं है, क्योंकि साइज का अंतर है। ठीक है ना? तो इसलिए दृश्य प्रकाश की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं देख सकते। यही मूल बात को ध्यान में रखेंगे और हम ये मान लेते हैं कि किसी नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। सपोज करो ये। अब हमने सबसे पहले किस प्रकाश का यूज करना है? दृश्य, क्योंकि हमारे लिए तो यही है। आप किसी भी चीज को देखने के लिए कौन सा प्रकाश यूज करते हैं? दृश्य प्रकाश।
तो दृश्य प्रकाश की स्थिति में संवेग आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हम इसकी गति को नाप सकते हैं, तो संवेग सही सही मिल जाएगा। पर स्थिति आपको नहीं मिलेगी सही सही, क्योंकि आप इसको देख ही नहीं पाएंगे। जब देख ही नहीं पाएंगे तो कहां बताएंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए स्थिति की अनिश्चितता अनंत रहेगी। जबकि अगर इसी की जगह एक्सरे का इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा, तो स्थिति आप जान जाएंगे। एक्सरे इससे टकराएगा, टकरा के एक जैसे ही बदलेगा, एक मशीन डिटेक्टर जो है ये इसको पहचान के बता देगा, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो यहां आपको क्या मिल गया, स्थिति तो सही सही प्राप्त हो गई, लेकिन जैसे ही एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है वो अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का वेग बदल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का वेग बदल जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे वेग बदला यानी संवेग भी बदल जाएगा। संवेग बदल गया तो संवेग अनिश्चित हो गया, तो संवेग नहीं प्राप्त कर सकते। ओवरऑल ये सिद्धांत पढ़ने का मूल मतलब क्या है, अगर आप हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो मूल रूप से हमारा ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन की एकदम सही सही स्थिति को जान पाना संभव नहीं। ठीक, मूल रूप से स्थिति से रिलेटेड है ये। अब जब हम मूल रूप से इलेक्ट्रॉन की स्थिति को एकदम सही सही नहीं जान पा रहे हैं, तब ये कहना कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है, ये कहां तक सही है भाई। निश्चित पथ तो तब होगा जब उसकी स्थिति निश्चित होगी। जब स्थिति ही निश्चित नहीं है तो आप कैसे बोलोगे कि वो निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर काटता है। तो बोर का ये सिद्धांत यहां पे गड़बड़ हो गया, और इसी के कारण अब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दिए गए क्षेत्र में पाया जाता है, और इसलिए अब हम इसको ऐसे दर्शाते हैं। देखिए ये क्लाउड की तरह दिखाई देगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस दूरी से इस दूरी के बीच इस पूरे परिमंडल में कहीं ना कहीं जरूर पाया जाएगा। तो इस पाए जाने की संभावना को हम जिस चिन्ह से दर्शाते हैं वो है साई। इसको कहा जाता है तरंग फलन। तरंग फलन क्या बताता है कि दिए गए क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, है कि नहीं। अब आते हैं हैमिल्टोनियन संकारक पे। चूंकि हमने जो कुछ पढ़ा हुआ था इसके पहले वो चिर सम्मत यांत्रिकी के आधार पे पढ़ा था। अब उस चिर सम्मत यांत्रिकी यानी न्यूटन के गति के नियमों वाले समीकरण को आधुनिक समीकरण जो क्वांटम के आधार पे बताए उसमें बदलना पड़ेगा, तो उसमें कुछ चिन्हों का हेर फेर हो जाता है। उसी में से एक आएगा हैमिल्टोनियन संकारक। अच्छा, संकारक का मतलब क्या होता है भाई? संकारक का मतलब होता है जो कुछ करने के बारे में बताए, है ना। जैसे गुणा का चिन्ह बताता है दो के बीच क्या सहसंबंध है, ऐसे ही हैमिल्टोनियन संकारक। तो चिर सम्मत यांत्रिकी में m संहिता वाले द्रव्यमान, m द्रव्यमान वाले किसी कण की कुल ऊर्जा को h या एंथैल्पी, जिसको हम आज क्या बोलेंगे, हैमिल्टोनियन बोलेंगे, उससे दर्शाते हैं। तो कुल ऊर्जा जो होती है वो दो ऊर्जाओं का योग होती है, m द्रव्यमान वाले कण की ऊर्जा किस आधार पर,
चिर सम्मत यांत्रिकी के आधार पर H बराबर होता है हमारा, क्या क्या दिया हुआ है भाई, टी प्लस वी। टी मतलब गतिज ऊर्जा और वी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो टी मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर, और कैपिटल वी मतलब ये है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम इसमें m बटा m का गुणा कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बटा 2m प्लस v। ठीक है, ये हो गया m गुणा v को रेखीय संवेग कहते हैं, इसे p से निरूपित करते हैं, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, इसको समीकरण एक मानो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि एम भी बराबर क्या होता है, पी होता है, तो इसलिए एच बराबर हो जाएगा एम भी का स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बटा 2m प्लस वी, समीकरण नंबर दो। ठीक, अब ये जो P है ये किसी कण के तीनों अक्ष की गति के संबंध में है, गतिज ऊर्जा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बटा 2m प्लस वी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये समीकरण नंबर तीन हो गया, एक्स वाई जेड में बांट दिया हमने। अब यहां समीकरण को हैमिल्टोनियन संकारक को हम किसमें बदलेंगे, चिरसम्मत यांत्रिकी से क्वांटम यांत्रिकी में बदलेंगे। तो यहां चिरसम्मत यांत्रिकी से क्वांटम यांत्रिकी में परिवर्तन, तो यहां पर P की जगह हो जाएगा P कैप, P संवेग की जगह अब हम क्या यूज करेंगे, P कैप यूज करेंगे, और ये आ जाएगा H अपॉन 2 पाई I डेल अपॉन डेल X। एक्स अक्ष के लिए ये मान होता है संवेग का, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन में। तो सिंपल सी बात है, P कैप y का मान होगा h अपॉन 2 पाई i इंटू डेल अपॉन डेल y, P कैप z बराबर हो जाएगा आपका h अपॉन 2 पाई i इंटू डेल अपॉन डेल z। अब अगर हम इसके स्क्वायर्स की बात करें तो आई क्या है, आई बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन, आई बराबर क्या होता है अंडर रूट माइनस वन। तो अब हम यहां इन सब को जोड़ के लिख देते हैं भाई, स्क्वायरिंग करके लिख देते हैं, टोटल पी कैप स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी कैप x का स्क्वायर प्लस p कैप y का स्क्वायर प्लस p कैप z का स्क्वायर। इन सब के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i लग गया है ना, तो i के कारण प्लस की जगह ये सब किस में बदल जाएंगे, माइनस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस, देखो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन, तो आई गायब करके माइनस सामने लगा देंगे, माइनस एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस
h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब ये p कैप स्क्वायर बराबर इसमें से h माइनस वाले को कॉमन निकाल लेते हैं, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो माइनस में कॉमन निकला है तो बाकी सब प्लस हो जाएंगे। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हमारा आ गया यहां तक। तो अब इस समीकरण को आप और छोटा भी कर सकते हैं, p कैप स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इस पूरे के लिए आप उल्टा डेल बना के स्क्वायर कर दीजिए, पढ़ते इसको भी डेल स्क्वायर ही है, ठीक कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा समीकरण हो गया 4 और ये हो गया 5। तो समीकरण 5 को अब उठा के रखिए किसमें, समीकरण 2 में रख देते हैं, या आप चाहें तो समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो मैं यहां तक छोड़ रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे। समीकरण 3 में मान रखने पर, तो अब हम h नहीं लिखेंगे उसको, उसको h कैप लिखेंगे, बराबर इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा और नीचे 2m भी है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर गुणा 2m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड। इसको हल कीजिए तो h कैप बराबर आ जाएगा माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 दुनी 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड। ये एक महत्वपूर्ण समीकरण है हैमिल्टोनियन संकारक के रूप में आपका, ठीक। यह ऑपरेटर किसी भी चुने गए इच्छित ऊर्जा फलन पर लागू कराया जा सकता है और ये प्रभाव उसको दूसरे फलन में बदल देता है। अच्छा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का आइगन मान से निम्नलिखित संबंध है। अब यह आइगन मान क्या है मैं बताता हूं। आइगन मान पहले संबंध देख लो, h कैप इज इक्वल टू होता है e कैप h कैप साई इक्वल्स टू e कैप साई, ये दिया हुआ है ऊर्जा के लिए है, e में कैप नहीं लगेगा, ये ऊर्जा के लिए है। ओवरऑल ये बताने की कोशिश है कि हैमिल्टोनियन संकारक कण की ऊर्जा को बताता है। अब आइगन मान क्या है, देखो कई बार आप देखें आपने नौवीं या दसवीं में गणित जब बनाया होगा तो x का मान निकालिए तो x के दो मान आते थे, एक आता है 26 एक आता है 13, तो आप देखते हैं कि अरे क्वेश्चन है कि x में क्या जोड़ा जाए कि 20 आ जाए, तो x को छोटा होना चाहिए 20 से, तो 13 सही है। मतलब जब आपको किसी समीकरण का एक से ज्यादा हल प्राप्त होता है, एक से ज्यादा उत्तर मिलते हैं, तो उनमें से कुछ उत्तर सार्थक होते हैं, कुछ उत्तरों का वास्तव में महत्व होता है, और कुछ उत्तर निरर्थक होते हैं, वो जो ऐसे आ गए हैं समीकरण हल करने के। तो आइगन मान वो मान है जो सार्थक उत्तर प्रदान करते हैं, तो तरंग फलन का वो मान जो सार्थक मान प्रदान करता है वो हम कहेंगे आइगन मान कहलाता है, ठीक।
ठीक है ना, स्वीकार्य तरंग फलन, स्वीकार्य मतलब जिनका कुछ वैल्यू होता है। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन। कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति। तो अभी लाइट डाउन होते जा रही है तो आज यहीं तक देखेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं, ठीक है।